नमस्ते, मैं भारती। मेरे भारतीय किचन में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं कम इंग्रेडिएंट्स में आलू के पास्ता। तो आइए ये रेसिपी को हम शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे आलू के पास्ता। ये पास्ता बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आते हैं। आप ये पास्ता को बच्चों को टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं या स्टार्टर के तौर पे सर्व कर सकते हैं। और ये पास्ता बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं पास्ता बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आलू के पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक टमाटर की प्यूरी बना के ले ली। मैंने यहाँ पर टमाटर की प्यूरी बना के ले ली है। आप इसके बदले टमाटो सॉस भी ले सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी को बारीक काट लिया है। आधा चम्मच यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स लिया है। आधा यहाँ पर मैंने कैप्सिकम को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक चम्मच यहाँ पे मैंने लहसुन को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। एक चम्मच सोया सॉस लिया है। एक चम्मच व्हाइट विनेगर लिया है। दो चम्मच चिली सॉस ले लिया है। नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार। पांच उबले हुए आलू ले लिए हैं। आधा कप यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। आप इसके बदले मैदा या गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो चलिए आलू के पास्ता बनाना शुरू करते हैं। आलू के पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम आलूओं को छील लेंगे। सारे आलूओं को यहाँ पर मैंने छील लिया है। अब इसको हम ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। अब ग्रेटर की सहायता से आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आलू को यहाँ पर मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको हम अच्छे से हाथ की सहायता से गूंथ लेंगे। हमें इसमें नमक नहीं डालेंगे, नमक हम बाद में डालेंगे। आलू और कॉर्नफ्लोर के आटे को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका आटा बांध लेंगे। अब इसमें एक चम्मच जितना पानी डालेंगे और इसका डो बांध लेंगे। पास्ता के लिए यहाँ पर डो लगकर तैयार है। तो चलिए पास्ता बना लेते हैं। अब पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे। अब जो हमने पास्ता के लिए डो बना के रखा था, अब इसे हम रोटी के आकार में अच्छे से बेल लेंगे। हमें ज्यादा रोटी को पतला नहीं बेलना है, बस मीडियम बेलना है। देखिए इस तरह से की सहायता से इसके ऊपर डिजाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी इसमें डिजाइन लगा सकते हैं। फोक की सहायता से यहाँ पर मैंने डिजाइन लगा ली है। अब इसे हम चौरस शेप में काट लेंगे। सबसे पहले इसके कॉर्नर्स काट लेंगे। अब इसे हम इस तरह से काट लेंगे लंबे आकार में। अब एक पीस लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा एक पास्ता बेलकर तैयार है। बाकी के भी पास्ता इस तरह से ही बना लेंगे। एक लोई से देखिए यहाँ पर मैंने 15 पास्ता बनाकर तैयार कर लिए हैं। बाकी ये भी पास्ता इस तरह से ही बना लेंगे। अब दूसरे भी लोई को आटे में सबसे पहले डस्टिंग कर लेंगे और उसको रोटी के आकार में बेल लेंगे। अब फोक की सहायता से इसके ऊपर भी डिजाइन लगा लेंगे। अब इसके भी साइड के कॉर्नर्स काट लेंगे। अब इसे भी हम चौरस शेप में इस तरह से ही काट लेंगे।
और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे पास्ता अच्छे से बना लिए हैं, तो चलिए इसे हम बॉईल कर लेते हैं। पास्ता को बॉईल करने के लिए यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके पैन रख दिया है। सबसे पहले इसमें पानी डाल देंगे, अब ये दूसरा गिलास भी डाल देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे, आधा चम्मच जितना इसमें ऑयल भी डाल देंगे। अब पानी में एक उबाल आने देंगे, उसके बाद इसमें पास्ता को बॉईल कर लेंगे। पानी को यहाँ पर मैंने अच्छे से उबाल लिया है, अब जो हमने पास्ता बनाए थे इसमें डाल देंगे। मैंने पास्ता को यहाँ पर पानी में डाल दिया है, अब इसे हम 1 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देंगे। पास्ता यहाँ पर हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और आप देख सकते हैं अच्छे से फूल चुके हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। सारे पास्ता यहाँ पर हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, तो चलिए पास्ता बनाना शुरू करते हैं। आलू के पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके पैन रख दिया है। सबसे पहले पैन में 3 चम्मच जितना तेल डाल देंगे। तेल यहाँ पर हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें लहसुन डाल देंगे। सबसे पहले लहसुन को हम सेक लेंगे। लहसुन को यहाँ पर मैंने अच्छे से सेक लिया है, अब जो हमने टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी वो डाल देंगे। सबसे पहले टमाटर की प्यूरी को अच्छे से पका लेंगे। टमाटर की प्यूरी यहाँ पर हमारी अच्छे से पक चुकी है, अब जो हमने पत्ता गोभी काट के रखी थी वो डाल देंगे। अब शिमला मिर्च भी डाल देंगे। दोनों सब्जियों को हल्का सा पका लेंगे। सब्जियां यहाँ पर हमारी अच्छे से पक चुकी है, अब इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे, सोया सॉस भी डाल देंगे और इसमें थोड़ी सी चिली सॉस भी डाल देंगे। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, क्योंकि पास्ता में भी हमने थोड़ा सा नमक डाला था बॉईल करते टाइम पे। एक बार सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने पास्ता बॉईल करके रखी थी वो डाल देंगे। अब 1 मिनट के लिए पास्ता को भी अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे हमारे बहुत ही टेस्टी पास्ता बनकर तैयार है। अब गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी आलू के पास्ता बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो भारत भारती किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।